बिना पैंट ही घर से बाहर निकली मलाइका अरोरा तो लोगों ने मारे ताने। एक बोला, नीचे पहनना क्यों भूल जाती है। आम जनों की तरह ही अब सेलेब्स की लाइफ भी पटरी पर आ गई है। ज्यादातर सेलेब्स अपने अपने काम पर लौट आए हैं, वही कुछ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय और पार्टी करते भी नजर आने लगे हैं। सेलेब्स मुंबई की सड़कों पर भी स्पॉट होने लगे हैं। हाल ही में मलाइका अरोरा बेहद बोल्ड लुक में नजर आई। मलाइका की जो फोटोज सामने आई है उसमें उन्होंने सफेद और काली धारी वाली लंबी शर्ट पहन रखी है। हालांकि उनको देखकर लग रहा है कि वो पैंट पहनना भूल गई है। अपने इस लुक को पूरा करने के लिए मलाइका ने स्पोर्ट शूज और बैग कैरी किया था। वो बिना मेकअप थी और उन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उन्होंने इस दौरान मीडिया फोटोग्राफर्स को जम कर पोज दिए, लेकिन उनकी फोटोज वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। मलाइका अरोरा को देख एक ने पूछा, पैंट किधर है। एक बोला, अर्जुन कपूर को मिलने गई थी और बॉनी कपूर की शर्ट पहनकर वापस आ गई। एक बोला, नीचे पहनना भूल जाते हैं या जानबूझकर ऐसा करते हैं। मलाइका को देखकर एक ने कमेंट किया, इसने अपने ससुर बॉनी कपूर की शर्ट पहन ली है। एक बोला, इंडिया में रहकर इंडियन कल्चर खराब कर रखा है। बता दें कि कुछ दिन पहले मलाइका घर के कपड़े और चप्पल पहन मुंबई की सड़कों पर घूमती नजर आई थी। उस वक्त उनकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। रणबीर कपूर अपने घर के बाहर भागते दौड़ते नजर आए। इस दौरान उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। जानवी कपूर लक्ष्मी इंडस्ट्रीज के बाहर स्पॉट हुई। उन्होंने स्किन कलर की बेहद कसी हुई ड्रेस पहन रखी थी और उनके बाल खुले थे। श्रद्धा कपूर प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी की ऑफिस के बाहर नजर आई। उन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और कैमरामैन को पोज भी दिए थे। इमरान हाशमी जिम के बाहर नजर आए। उन्होंने खुद को पूरी तरह से ढक रखा था, मास्क के साथ ही बड़ा सा गोगल भी पहन रखा था। बिखरे बाल और फॉर्मल ड्रेस में जिम के बाहर नजर आई खुशी कपूर। वो इन दिनों वर्कआउट पर काफी ध्यान दे रही है। जेनेलिया देशमुख भी जिम के बाहर स्पॉट हुई। उन्होंने हाथ में बॉटल पकड़कर कैमरामैन को पोज दिए। वो इस दौरान बेहद खुश नजर आ रही थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी अपडेट्स, न्यूज और गॉसिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल एंड फॉलो करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।